सकते हैं कि ये जो आकाश है ये निराकार है, ऐसा हम सोचने लगते हैं। तो इसी में कितने लोग जो बुद्धू बनाने वाले हैं तो वे क्या कहते हैं, कहते हैं देखो यही आत्मा है। वो कहेंगे कि देखो आत्मा का गुण क्या बताया गया है, इसको काटा नहीं जा सकता, देखो इसको काट रहे हैं, कट रहा है नहीं कट रहा है ना, इसको जलाया नहीं जा सकता, तो एक लाइट जला देगा, देखो जला नहीं जला, पानी डाल देंगे नहीं सड़ सकता, देखो सड़ा नहीं सड़ा। तो आत्मा का जो गुण चार पांच बताए गए हैं तो उसको कहेगा कि देखो यही आत्मा है, ये आकाश ही आत्मा है। लेकिन आत्मा का गुण सिर्फ यही नहीं है, इतना ही नहीं बताया गया, आत्मा के और भी जो गुण बताए गए हैं उनको ये आकाश तक तो पूरा नहीं कर पाता। इसके कारण जो है इस यह जो है सूक्ष्म तो है, परंतु यह इतना सूक्ष्म नहीं है कि इसको निराकार की कैटेगरी में रखें। लेकिन एक साधक के लिए जो एक साधना कर रहा है उसके लिए अच्छा है कि आकाश तत्व तो की साधना करें, उसके लिए अच्छा है। तो कुछ लोग आकाश तत्व तो की साधना करते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि विचार की साधना करते हैं, क्योंकि विचार को क्या पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ पा रहे, विचार को देख सकते हैं नहीं देख पा रहे, बाहर निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। वो तो जो निकलती है तो वाणी निकलती है, जो विचार से ही पकड़ते, लेकिन विचार तो नहीं निकलता। तो विचार की साधना करते हैं क्योंकि वह सूक्ष्म तत्व है, परंतु फिर भी वह उतना सूक्ष्म नहीं है जितना कि आकाश तत्व है, आकाश तत्व तो और भी सूक्ष्म है। तो निराकार की जो साधना करने वाले हैं वे तो या सांस को या हमारे भीतर में और भी जैसे हैं जैसे दर्द है हाँ उसको, या कोई ध्वनि है उसको, जो मतलब सूक्ष्म वस्तुएं हैं हाँ तरंगे हैं हाँ उनको पकड़ लिया, प्रकाश की तरंगे हैं। कुछ लोग सोचते हैं प्रकाश जो है उसका जो है आकार नहीं है, लेकिन प्रकाश का भी आकार है। हाँ इन सभी का आकार है। तो वे इन्हीं की साधना करते हैं और इन्हीं की उनको करनी चाहिए, लेकिन यहीं रुकना नहीं पड़ेगा उनको। अब उनको यह भी पता लगाना पड़ेगा कि यह जो निराकार है तो क्या वास्तव में ये निराकार है, जिसको हम निराकार कह रहे हैं तो उसका आकार सिद्ध हो जाता है। हाँ जब और अच्छा से विश्लेषण वो करेगा, जब इस पर ध्यान लगाएगा इन चीज़ों पर, तो उसको पता चल जाएगा कि ये जिसको मैं निराकार समझ रहा था ये आकार है, जिसे इसको ज्ञान होगा। तो अब उसको और धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ तक जाता है, फिर उसको समझना पड़ेगा कि स्थूल आकार कैसे हो जाता है। तो ये उसकी साधना का प्रोसेस है। तो वो अपने विचार पर ध्यान लगाता है, श्वास पर ध्यान लगाता है, ध्वनि पर ध्यान लगाता है, या बाहरी जो मैंने जैसे बताया आकाश तत्व है या वायु तत्व है हाँ इस पर वो ध्यान लगाता है, और इसके जरिए ही उसको बोध होता है। तो ये दोनों क्या उसमें प्रक्रिया है, उसी तरह से निर्गुण वाले जो हैं वो गुणों पर ध्यान लगाते हैं, वो उसके आकार वकार नहीं देखते हैं, वो गुणों को देखते हैं। जल है उसका शीतलता उसका गुण है, बहना उसका गुण है, हाँ तो वे गुणों को देखते हैं कि पिएंगे तो जो है प्यास बुझाता है, तृप्ति उसका गुण है, उसको डालने से जीवन प्रस्फुटित होता है, तो जीवन के साथ वो कहीं ना कहीं रिएक्शन कर रहा है, तो इसलिए जीवन दायनीय है। तो इसी तरह से हर तत्व का वो गुणों को देखता है और उन गुणों के माध्यम से साधना करता है। तो ऐसा साधक है जो सब चीज़ का गुण देखेगा, जो गुण की पूजा कर रहा है सगुण वाले हैं तो वे गुण को देखते हैं, और फिर उस गुण में इस तरह गुणों को देखते थे कि भाई ये गुणों की संख्या और इसका विस्तार और इसकी सूक्ष्मता कहाँ तक है, तो वो धीरे 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 खो जाता है, कहता है कि भाई ये तो अनंत है, ये गुण की सीमा हम नहीं पाएंगे। तो फिर उस अनंत को कहता है, फिर वो कहता है कि भाई ये जो अनंत है यही हरि है, हरि अनंत, और ये जो विस्तार है ये कथा है उनकी, कथा अनंत हो गया उसका, वो समाधान हो गया, वो बैठ जाता है संतुष्ट होकर के। और जो निर्गुण वाले हैं तो वो अपना देखते हैं कि अरे ये गुण है चलो हटाओ इसको, हटाओ इसको, हाँ हमको तो गुण को स्वीकार नहीं करना है क्योंकि गुण स्थूल है, गुण भगवान नहीं है, गुण ईश्वर नहीं है, गुण तो प्रकृति है। तो वो गुणों को हटाता जाता है, हटाता जाता है, हटाता जाता है, तो उसमें नेति नेति क्रिया है, उसको नेति नेति बोलते हैं।
तो वो इन सभी को हटाता है, तो हटाते 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 तो देख रहे भाई ये जो, मैं जो हटा रहा हूँ, मैं हटाने वाला, ये भी तो आखिर गुण है या आखिर ये हटा कौन रहा है भीतर में, ये भी तो वही गुण है, हटाने का गुण जो उसको छांट रहा है, जो महसूस कर रहा है, ये महसूस करने का भी गुण, ये भी तो तत्व है। हमने आकाश तत्व को महसूस किया, आकाश तत्व की बात, तो ये आकाश तत्व महसूस किसने किया, हमारे भीतर महसूस किया ना किसी ने, हाँ तो वो तो फिर वो आकार में उसको आया ना, तो वो आकार में और गुण में आ जाता है, तो इस तरह से धीरे धीरे जब छांट लेता है तो वो देखता है कि शांत हो जाता है वो, फिर गुणों को हटाते हटाते फिर जो अपने जो भीतर में जो गुण हैं जो उन सबको डिटेक्ट कर रहा था, छांट रहा था, फिर उसको भी जब हटाएगा तो फिर क्या कोरा हो जाएगा, हाँ, और जब कोरा हो जाएगा बिल्कुल खाली हो जाएगा तो वो शून्य जैसा हो जाता है, बिल्कुल खाली, तो बिल्कुल जब खाली हो जाएगा वो शून्य जैसा हो जाएगा तो उसको समाधि अवस्था कहते हैं, और उस समाधि अवस्था में फिर उसे महसूस होगा कि जिसको हम छांट रहे थे उसके बाद जो बच गया, हाँ, तो वह इतना सूक्ष्म गुण है कि वह हमारे डिटेक्शन में नहीं आता है, और इसके कारण ही उसको निर्गुण कहा जाता है, इस चीज़ को वो महसूस कर लेगा कि हमारे डिटेक्शन में नहीं आ रहा है, हाँ, तो उसको वो निर्गुण कहेगा, लेकिन जब वो यह समझेगा कि ये है ही नहीं, तब वो उसको ऐसा निर्गुण कहेगा जो सगुण के विपरीत है, लेकिन जब वो समझ जाएगा कि नहीं यही सगुण जो है वो निर्गुण हो चुका है उस स्तर पर, तो वो कहेगा कि नहीं वही सगुण निर्गुण है, तो वो उसका उसकी कड़ी वो जोड़ लेगा, अन्यथा वो उसको विपरीत समझेगा, अब उसको ये समझ में नहीं आएगा कि फिर ये सगुण आया कहाँ से या वो निर्गुण हुआ कैसे, हाँ, तो ये यहाँ हमारे अंदर आ गया लिंकेज में अभी, तो लिंकेज में दिक्कत होगी, अन्यथा उसको फिर दिक्कत नहीं, वो समझ जाएगा, फिर वो समझ जाएगा कि उसे कैसे निर्गुण से सगुण हुआ है, और फिर ये समझ जाएगा कि ये निर्गुण सगुण दोनों मिल के, निराकार साकार मिल करके ये जो अस्तित्व बन जाता है, इस पूरे अस्तित्व को हम शुद्ध रूप से न आकार कह सकते हैं न निराकार कह सकते हैं, हाँ, तो इसी को जो है जो आकारातीत कहा जाता है, न गुण कहेंगे सगुण न निर्गुण, इसको गुणातीत कहेंगे, तो वह अवस्था जो परम अवस्था हो जाती है, परम चैतन्य अवस्था है वह, तो आराधना की अवस्था इस तरह से है, और जो दो तरीके हैं वो इस तरह से है, दोनों तरीकों से लोगों ने महसूस किया है दोनों तरह की साधनाओं में, लेकिन ज़्यादा लोकप्रिय सगुण साकार वाला हुआ है, क्योंकि जहाँ से हम हैं बड़े आकार से वहाँ से शुरू करना थोड़ा आसान है, और छोटे आकार से शुरू करना थोड़ा कठिन है, कर तो दोनों आकार का ही रहे पर खाली उसका नाम वो बदल दे रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं दोनों आकार से ही शुरू, एक थोड़ा बड़ा आकार से कर रहा है, एक थोड़ा छोटा आकार से कर रहा है, बात इतनी है, हाँ, एक ने बड़ी प्रतिमा चुन ली है, हाँ, आदमी के आकार की या उससे मतलब छोटी जो भगवान छोटी की प्रतिमा चुन ली है, और एक ने जो प्राकृतिक रूप से ही जो प्रतिमा उपलब्ध है, हाँ, उसी को मैंने जो बनाई हुई प्रतिमा नहीं है, जो बनी हुई प्रतिमा है, एक तो जो मनुष्य ने बना दी प्रतिमा जोड़ जोड़ करके, जो प्रतिमा थी पत्थर को काट छांट करके जो बना दिया रूप, एक तो एक व्यक्ति ने उसको चुन लिया उस मूर्ति को, और एक व्यक्ति ने जो बनी बनाई मूर्ति है, जैसे कि ये वृक्ष है बनी बनाई मूर्ति है, हाँ, तो उसी तरह से हमारे सांस जो है वो बनी बनाई मूर्ति है, प्रकाश बनी बनाई मूर्ति है, हवा बनी बनाई मूर्ति, तो उसको चुन लिया, बस इतनी सी बात है, करेंगे तो मूर्त पूजा ही दोनों, पूजा सिर्फ मूर्त की ही हो सकती है, अमूर्त तो होता ही नहीं, वो अमूर्त तो आप कैसे निर्गुण नहीं कर, हाँ, वो अमूर्त तो बस इसी अर्थ में है कि मूर्त ही इतनी सूक्ष्मता में हो जाए कि आप उसको डिटेक्ट नहीं करें, उसको अमूर्त आप कहते हैं, अन्यथा मूर्त के विरुद्ध और कुछ नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है, आप कोई भी चीज लेंगे तो आकार प्रकार ही होगा, आकार से मुक्ति नहीं होगी, नहीं, आकार ही इस अस्तित्व की सच्चाई है, आप उसको उसको नहीं वो कर सकते, उसको आप जो है वो हटा नहीं सकते, क्योंकि ये हर तरीके से प्रमाणित है, जो हर तरीके से प्रमाणित है उसको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं,
तो कुछ लोग जिद पर आ जाते हैं, नहीं मूर्ति को हम तोड़ देंगे, भगवान नहीं है। आप मूर्ति को नहीं तोड़ सकते हैं, आपने एक प्रकार के आकार को दूसरे प्रकार के आकार में बदल दिया, बस मूर्ति थोड़ी टूटी। मूर्त का मतलब होता है जिसका आकार प्रकार हो, उसको मूर्त कहते हैं। तो आपने अगर तोड़ दिया तो भी तो उसका आकार प्रकार बना ही है, आपको आकार को ना तोड़ना है कि व्यक्तिगत एक जो ढांचा बना है, एक रूप आ रहा है, उसको थोड़ी तोड़ना है। उसको तो तोड़ना नहीं, आप पीस के पाउडर भी बना देंगे तो भी तो आकार ही है वो। तो तालिबान में तोड़ती है ना बुद्ध की मूर्ति, विश्व एक नंबर की मूर्ति थी, तालिबान वाले तोड़ दिए। हाँ तो वे सब सब मूर्ख लोग ना हैं, उनको फिलोसफी का कोई ज्ञान है नहीं। हाँ। वे तो बस मरना और मारना जानते हैं, उनको एक पढ़ा दिया है मोहम्मद ने। हाँ। कि आकार नहीं, अरे आकार तो बेवकूफ तुम खुद हो। हाँ। और तुम्हारे अल्लाह खुद आकार होंगे। हाँ। अल्लाह का तो अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है, बिल्कुल फर्जी सिद्ध होता है। अल्लाह का अस्तित्व कहाँ प्रमाणित कर पाते हैं, इनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है इससे कि सिद्ध हो जाए। दार्शनिक प्रमाण चाहिए ना, कम से कम लॉजिक से तो सिद्ध हो। तो लॉजिक से आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, साइंस से सिद्ध नहीं हो रहा है, प्रयोग से सिद्ध नहीं हो रहा है, तो किसी न किसी चीज़ से सिद्ध होना चाहिए ना। वह तो सिद्ध तो होने, बस एक मानता है, तुमने मान लिया कि अल्लाह है, एक है, ऐसे मान लिया, एक की संख्या में इसको सीमित कर दिए। एक है जब हम कहेंगे तो एक की संख्या में सीमित हो गया ना, तो एक की जो संख्या होती है तो वो एक की संख्या, तो वो पूरी संख्या तो है नहीं, उसका तो विभाजन संभव है ना एक का, उसमें जोड़ संभव है, घटाव संभव है। हाँ, उसको तोड़ना संभव है, उसको उसको सिकुड़ना संभव है, उसको फैलाना संभव है। फिर कैसे वो कहते हो कि वो जो है वही कंप्लीट है, वही पूर्ण है, कैसे कहोगे उसको? नहीं कह सकते हो, वो तो अधूरा हो गया। भगवान की ध्यान कर रहा कि भगवान की मूर्ति तो भी तो पूजा कर रहा है ना, कृष्ण भगवान की मूर्ति की जो पूजा कर रहा है वो भी तो पूजा कर रहा है। हाँ तो कर ही रहा है, उसी का ध्यान कर रहा है वो, चाहे किसी का भी कर लीजिए, वो तो एक बहाना है ना, चाहे हम किसी का कर लें, कृष्ण का कर लें, राम का कर लें, रहीम का कर लें, किसी का कर लें, नाम का कोई मतलब, जूता चप्पल किसी का कर लें। मुख्य रूप से है कि हमको तो उस अस्तित्व का संपूर्ण बोध हो जाना चाहिए, हो गई बात खत्म। अब उसका हमने नाम क्या दिया है वो बहुत मतलब नहीं है, उसका नाम हम बहुत कुछ दे सकते हैं और कुछ भी नहीं नाम दे सकते हैं उसको, सिर्फ हम एक अस्तित्व भी कह सकते हैं, अस्तित्व भी कह सकते हैं। ये जो सगुण से निर्गुण की स्थिति में जब ये जीव पहुंचता है तो निर्गुण, सगुण से निर्गुण में गया तो निर्गुण का आकार है, लेकिन निर्गुण और निराकार में क्या अंतर? मैंने बताया था, शायद आपने गौर नहीं किया है, मिस कर गए आप। मैंने बताया था निर्गुण यानी प्रकृति के सतरतम में सगुण यानी सद्गुण द्वारा जो है अपने को निर्गुण की स्थिति में पहुँचे, वहाँ निर्गुण प्रकृति का कोई गुण न हो, वहीं निर्गुण है, तो उसका आकार है, वो ज्योतिमय है, आया है आकार में, लेकिन वो निर्गुण स्थिति जो है वो तो आकार में दिखती है, प्रकाश में दिखती है, अनुभव में, अनुभव को में दिखती है, लेकिन ये निराकार और निर्गुण स्थिति में दोनों में भेद क्या है, अंतर क्या? देखिए आकार जो है वह एक गुण है, आकारत्व जो है वह भी एक गुण है। अच्छा, यानी मतलब ये जो है हम सगुण द्वारा जो किसी का जो आकार वो भी गुण है, किसी का जो आकार है ना, किसी चीज़ का जो आकार है वह भी एक गुण है, आकार एक गुण है, उसमें और भी गुण हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना तरलता भी एक गुण है, तो उसी तरह से बहुत सारे गुण हो सकते हैं, उसमें रंग हो सकते हैं, जो ध्वनि है वह भी एक गुण है, तापमान हो सकता है, दबाव हो सकता है, ये सब सारे गुण ही हैं, तो उसमें गुणों की संख्या बहुत हो सकती है। जितने भी प्रकार के गुण आप महसूस करते हैं यहाँ पर सब सूक्ष्म रूप से तो उसी सतरजतम में हैं।
तो वहाँ पर तो वो सगुण से जब निर्गुण की स्थिति में आता है तो ये गुणों का तो काम खत्म हो गया, तीनों का, तीनों का काम खत्म नहीं हो गया, वो बीज रूप में है, काम तो दबा हुआ है ना, वो तो दबा हुआ है, दबा हुआ भी नहीं है, वो तो बस बीज रूप में है, सूक्ष्म रूप में है, और इतना सूक्ष्म रूप में है कि वह हमें लगता है कि दबा हुआ है, जी जी जी, मतलब हमारे लिए जी जी वो लगता है कि दबा हुआ है, हमारे लिए लगता है कि वह जो है अब प्रकट नहीं है, नहीं, नहीं, वो तो हमारे लिए लगता है कि अव्यक्त हो गया, जी जी, हाँ अब वो डिटेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन है अपनी जगह पर वो, हाँ, वो है, हाँ हमारी अनुभूति से वो बाहर चला गया, बस बात इतनी है, बात इतनी है, हाँ हमारे अनुभूति से जब वो बाहर चला गया है तो हम उसको निर्गुण कहने लगते हैं, स्थिति है, सगुण जो है हमारी अनुभूति के बाहर चला जाता है तो निर्गुण कहलाता है, निर्गुण कहलाता है, हाँ तभी निर्गुण कहलाता है, उसकी परिभाषा हो गया, तो जब बिना गुण, बिना गुण का नहीं हो गया वो, है वो ऐसा गुण जो बिना हमारी अनुभूति का हो गया, ये कही हाँ, तो ठीक है बिना मेरे अनुभूति का हो गया, हाँ तो जो हमारी अनुभूतियाँ निर्गुण कही जाती है तो उसमें निराकार एक आता है, हाँ तो जो हमारी स्थितियाँ निर्गुण की है तो निराकार और निर्गुण में क्या अंतर है? यही तो मैंने बताया कि निराकार एक गुण है, निर्गुण एक गुण है, सगुण का एक गुण आकारात्व है, समझ गए, वह आकार जब इतना सूक्ष्म हो जाए जिसको कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं निराकार, निराकार वही हो गया, है आकार ही, लेकिन ऐसा आकार जिसको कि हम न कल्पना में ला सकते हैं, न जान सकते हैं, न परखते हैं, न महसूस कर सकते किसी भी चीज से, हमारे दायरे के बाहर है, हाँ वो हमारे दायरे के बाहर है, इसलिए वह निराकार है, है वह आकार ही लेकिन वह हमारे दायरे के बाहर है इसलिए निराकार है, इसलिए नहीं कि आकार तो उसका समाप्त हो गया, और उसको निर्गुण भी कह सकते हैं, उसको निर्गुण भी कह देंगे, नहीं नहीं नहीं, निर्गुण तो वह एक अर्थ में है, हाँ। लेकिन सिर्फ उतना ही निर्गुण नहीं है, हाँ। निर्गुण में और भी बहुत सारे निर्गुण हैं, हाँ। मतलब गुण में एक सिर्फ आकार ही एक गुण नहीं है, हाँ। कई जैसे रंग भी एक गुण है ना, हाँ। खाली आकार ही गुण नहीं है, किसी का भार भी एक गुण है, कोई चीज का भार जो है वह भी, जैसे ये लोटा है देखिए, इसका कोई एक आकार है, लेकिन आकार जो है उसका वही एक गुण है, लेकिन उसका वजन भी है, वह भी एक गुण है, तो जब हम आकार की बात करेंगे तो वजन की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसका आकार की बात करते हैं, उस आकार का हम प्लास्टिक भी बना सकते हैं लेकिन उसका वजन कुछ अलग होगा, उसकी चमक कुछ अलग होगी, तो वहां पर जाकर ठहर क्यों जाता है, उसके आगे कुछ नहीं ठहरता, वो कुछ नहीं दिखाई नहीं, ठहरना क्या होती है, आप नहीं 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 अनुभूति है, ये योग में अनुभूति है चलता है, मन के भगवान परमात्मा का जो जोड़ होता है, योग होता है, तो उसमें केवल अनुभूति की ही द्वारा चलता है, नीचे तो इंद्रियां कार्य करती हैं, तो जिसे अनुभूति द्वारा जो है, अनुभूति के ही द्वारा जो है हम, आप ये जानना चाहते हैं कि हम लोग क्यों नहीं वहां महसूस कर पा रहे हैं, जी, ये आप जानना चाहते हैं आपके प्रश्न को, कि हमारी ऐसी स्थिति क्या हो जाती है कि हम उस निर्गुण को नहीं महसूस कर पाते हैं, हमारे वह जो गुण है उसको हम महसूस नहीं कर पाते, इसकी वजह से हम निर्गुण कह रहे हैं, हमारी वह क्या स्थिति हो जाती है, ये आपका यह प्रश्न है शायद, हाँ कि हमारे में आखिर वो क्या चीज है कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, नहीं नहीं नहीं, हाँ जिसे हम कहते हैं कि तीनों गुणों से अतीत की स्थिति जब हो जाती है, हाँ है, तो ये एक ज्योति टाइप का दिखाई देता है, ज्योति यानी मतलब एक बिंदु, ज्योति तो एक गुण है ना, ज्योति ज्योति निर्गुण नहीं है, हाँ प्रकाश, तो है प्रकाश दिखाई देता, निर्गुण नहीं है वह गुण है, आगे और वह भी आकार है, रुक जाता है वो आकार है, हाँ प्रकाश भी तो आकार जैसे है, जैसे सूर्य चमकता है, हाँ आकाश में, हाँ आकार है, उसका प्रकाश पूरी पृथ्वी पर है, हाँ वो पूरी प्रकृति के छवि को देख रहा है, है नीचे, तो उसी प्रकार से जो है उस स्थिति में आने के बाद में ये प्रकृति के सारी चीज दिखाई देते हैं, है लेकिन चूंकि वो वहाँ स्थित है तब दिखाई देते हैं, और जहाँ वहाँ से हटा तो ये गुण अपने चपेट में ले लेते हैं, तो असल में जो भी हम लोग को दिखाई देता है, जो महसूस होता है, जो भी है, ये सब आकार और गुण के तहत आते हैं, जो भी महसूस होता है हम लोग को अपनी इंद्रियों से, ये सारी अनुभूतियाँ जो हैं ये सगुण और आकार के तहत आते हैं।